अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी आपको मालूमात दूंगी उन फूड्स के बारे में या उन चीज़ों के बारे में कि जिनके बारे में कुछ मिथ्स हैं कि उनको खाने से आपको प्रीटर्म लेबर पेंस शुरू हो सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले नंबर पर आता है पाइनएप्पल। अच्छा, पाइनएप्पल जो है बड़ा अच्छा फूड है, बड़ा स्वीट भी होता है और सावर भी होता है, प्रेगनेंसी में लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसके अंदर एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन। अच्छा, ये एंजाइम जो है, इसका जो इफ़ेक्ट है आमतौर पे ये पाया गया है कि ये जो रहम का मुँह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ये बाज़ अवाज़ उसको सॉफ्ट कर देता है। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उन्होंने ये प्रूव नहीं कर पाए आया कि पाइनएप्पल खाने से प्रीटर्म बर्थ होती है या नहीं। लेकिन चूंकि ये एक मिथ है और चूंकि उन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर एक एंजाइम है ब्रोमेलिन जो कि एक्ट करता है यूट्रस के मुंह पर, उसको सॉफ्ट करता है, तो हमें ऑफ कोर्स अर्ली स्टेज में तो यूट्रस के मुंह को सॉफ्ट नहीं ना करना, तो इसलिए बेहतर होगा कि इसको अवॉइड किया जाए। फिर आता है डेट्स। डेट्स बहुत ही अच्छी ग़िज़ा हैं, ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन हैं, इनके अंदर फाइबर है, इनके अंदर आयरन है और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक प्रूव नहीं हुई कि डेट्स खाने से प्रीटर्म लेबर शुरू हो जाता है या डेट्स खाने से मिसकैरेज हो जाता है या डेट्स खाने से लेबर शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अब वो औरतें जो अपने लास्ट मंथ में यानी कि नौवीं महीने में डेट्स खाती हैं तो उनको आम तौर पर ख़ुद से लेबर पेंस शुरू हो जाते हैं और उनको इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ख़वातीन जो अपने महमल के आखिरी माह में हैं वो कुछ डेट्स को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि डेट्स तो बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। आप 3 से 4 डेट्स रोज़ाना खा लिया करें और देखें कि फिर आया कि ये बात सच है कि नहीं। फिर हम बात करते हैं स्पाइसी फूड के बारे में। कुछ ये भी है, कुछ मिथ्स ये भी हैं कि जो स्पाइस अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएँगे तो उससे भी लेबर पेंस शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो तो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो आपका जो है पेट ख़राब हो जाएगा, आपको पेट में दर्द हो जाएगा, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ऑफ़ कोर्स ये पेट में दर्द जो है शायद आपका लेबर भी शुरू कर देता हो। ऐसी प्रूव्ड कोई बात नहीं है कि हम स्पाइसी खाना खाएंगे तो पेन शुरू हो जाएंगे, लेकिन हाँ, स्पाइसी खाना खाने से तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएँ और आपको पेट में दर्द शुरू हो जाए। पेट में दर्द से मुराद है स्टमक में दर्द, क्योंकि स्टमक की लाइनिंग भी बेचारी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तो उसमें दर्द शुरू हो जाता है, इसको मेदे का दर्द कहते हैं। फिर हम आते हैं एग प्लांट की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि बैंगन खाने से भी लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज़ प्रूवन तो नहीं है, लेकिन कोई भी स्टडी अब तक जितनी की गई हैं उसमें ऐसी बात कोई प्रूव नहीं हो सकी कि बैंगन खाने से किसी को पेन शुरू हुआ हो। तो पपीता के बारे में भी यही मशहूर है कि अगर आप पपीता खाएंगे तो आपको लिवर पेन शुरू हो जाएंगे। फिर माएँ जो हैं वो बच्चियों को दूध में कैस्टर ऑयल वगैरह डालकर पिला देती हैं कि वो पीने से भी लिवर पेन शुरू हो जाते हैं। वैसे प्रूवन तो नहीं है, लेकिन जो कैस्टर ऑयल डालकर ऑयल पिलाया जाता है उससे बाज़ औकात लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है तो उससे डायरिया भी लग सकता है, उससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है और उससे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। उसके अलावा कुछ माएँ अपनी बच्चियों को देसी घी दूध में डालकर पिलाती हैं और ये कहा जाता है कि इससे भी लेबर पेन होते हैं। प्रूवन तो नहीं है ये, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप दूध में घी डालकर पिएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी और आप बहुत मोटी हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस आप ज़्यादा अरसे तक जारी ना कीजिएगा। मुमकिन है
कि आखिरी स्टेजेस मतलब लास्ट मंथ में अगर आप एक आध दफ़ा इसको ट्राई करना चाहें तो इट्स फाइन, लेकिन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बग़ैर ऐसी कोई चीज़ ना कीजिएगा। शुक्रिया।